हे गाइस, फैट लवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपके जो पैरेट्स हैं वो भी एकदम अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये कॉर्नर साइड में हमारी कॉकटेल की एक एवेरी है, ठीक है ना। और अगर मैं इधर बात करूं तो यहाँ पे हमने रख रखा है एक सिंगल केज कॉकटेल का, ठीक है। और आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि भाई सिंगल केज एवेरी बेस्ट रहता है या फिर ये एवेरी बेस्ट रहती है ब्रीडिंग के लिहाज से। क्योंकि अगर मैं अभी बात करूं, बहुत सारे जो बड़े ब्रीडर हैं या फिर जो मतलब एक्सपर्ट है कॉकटेल के, वो ये बोलते हैं कि कॉकटेल जो है ना एवेरी के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता जितना अच्छा सिंगल केज का रिजल्ट देता है। सिंगल केज भी हमने लगा रखा है और हम जो है ना यही चेक करेंगे। मतलब अभी तो नहीं, अभी हमने सेम टाइम पर इनको भी बॉक्सेस वगैरह दे दिए हैं और इनका भी बिल्कुल यही टाइम है, समझ लिए। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि मसला ये था कि इनको अलग किया है और अलग करने के 4-5 दिन बाद हमने इनको बॉक्स दे दिया और बॉक्स में ये सब जाने लगे हैं और इनकी भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमने चेक करी थी तो सब में अंडे वगैरह रखे हुए थे। अब देखना ये है कि भाई किस में कैसा रिजल्ट निकल करके आता है ना, क्योंकि एवेरी के अंदर भाई ये खुले हैं, आज़ाद हैं, सारी चीज़ें इनकी अपने अकॉर्डिंग हो रही हैं। लेकिन अगर हम सिंगल केज की बात करें तो भाई एक सिंगल केज है, उसके अंदर हमने एक बॉक्स दे दिया है और इतनी बड़ी एवेरी नहीं है, इतना स्पेस नहीं है। लेकिन ये है कि मसला ब्रीडिंग का है कि ब्रीडिंग हमें कैसे अच्छी मिल सकती है कॉकटेल की, सिंगल केज में क्या रिज़ल्ट आएगा और हमारी एवेरी में क्या रिज़ल्ट आएगा, ये हम जो है ना 1 महीने के बाद जो है ना रिज़ल्ट निकालेंगे। क्योंकि इससे पहले इन्होंने बच्चे निकाले बॉक्स के अंदर एवेरी में और बच्चे निकल करके आए, निकलने के बाद में हुआ क्या कि बच्चे जो है ना वो ख़राब हो गए, सारे के सारे बच्चे ख़राब हो गए और फीमेल ने फिर से अंडे रखे हुए हैं, वो प्रॉपर बैठ रही है। और अगर सिंगल केज की बात की जाए तो भाई सिंगल केज में फीमेल मेल दोनों के दोनों बॉक्स के अंदर हैं, मतलब दोनों के दोनों अंदर हैं, तो ये भी ब्रीडिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और इनका बॉक्स भी आप देख रहे हैं, मैंने लकड़ी का बना करके दिया है, उनका प्लाई का बॉक्स है। और लकड़ी का, जैसा कि बोलते हैं कि लकड़ी का बॉक्स देने से ब्रीडिंग रिज़ल्ट अच्छा आता है, तो भाई हम देखेंगे कि भाई क्या मसला होने वाला है, क्या रिज़ल्ट आने वाला है हमारे सिंगल केज के अंदर या फिर हमारी एवेरी के अंदर। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग एक्सपर्ट लोग ये बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी होगी। और कहते हैं कि मतलब अगर आपने बहुत सारे पेयर रख रखे हैं एवेरी के अंदर तो डेफिनेटली इनकी ब्रीड ख़राब होगी, लेकिन कुछ पेयर रख रखे हैं तो मसला अच्छा रहता है। और मेरे पास 4-5 ही पेयर हैं, ज़्यादा पेयर भी नहीं है, तो ये भी एक सही चीज़ है। तो देखेंगे कि भाई किस में कैसा रिज़ल्ट निकल करके आता है, एवेरी के अंदर अच्छा रिज़ल्ट निकल करके आता है या फिर बॉक्स के अंदर अच्छा रिज़ल्ट निकल करके आता है। और सब के सब जो है ना, जो ये सिंगल केज है इसके अंदर सारी चीज़ें सेट हैं, दाना रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लेकिन एवेरी के अंदर क्या है कि एक दूसरे को बर्ड डिस्टर्ब कर देते हैं, जब वो मीटिंग कर रहे होते हैं तब भी वो डिस्टर्ब होते हैं और जब वो बॉक्सेस सेलेक्ट कर रहे होते हैं तब भी वो डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन एक आज़ाद रहना, खुला रहना, अपने अकॉर्डिंग बॉक्स चूज़ करना, कोई ऑप्शंस नहीं, सारी चीज़ें, तो ये भी कहीं एक प्लस पॉइंट होता है एवेरी का। बर्ड्स जितना उड़ता है उतना हेल्दी रहता है, लेकिन इसके अंदर बर्ड्स इतना फ्लाइंग नहीं कर सकता, बर्ड्स आराम से एक जगह पे रहेगा और इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाएगा। लेकिन जो रिज़ल्ट है, क्योंकि सिंगल केज की बात ये रहती है ना कि वो डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है, और डिस्टर्ब नहीं होता है तो भाई जाहिर सी बात है वो अच्छे से ब्रीड करेगा ही करेगा। लेकिन देखना है मुझे कि भाई क्या रिज़ल्ट निकल करके आता है सिंगल केज वर्सेस एवेरी, दोनों में कैसा ऑप्शंस होता है, दोनों में कैसी ब्रीड आती है, कैसा मसला होता है, ये सारी चीज़ें हम जो है ना देखेंगे, चेक करेंगे और आपको भी चेक कराएंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं एक दूसरा मेल है वो उसके बॉक्स में चेक कर रहा है और एक मेल अंदर बैठा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना एवेरी के अंदर होती रहती हैं, तो शायद इससे थोड़ा सा डिस्टर्ब होते होंगे बर्ड्स। लेकिन सिंगल केज में दोनों के दोनों जब से अंदर हैं और बाहर नहीं आए हैं, मतलब ये है कि हाँ अच्छा कुछ रिज़ल्ट आएगा इसका या फिर इसका। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट होने वाली है, एवेरी बेस्ट रहेगी या फिर सिंगल केज बेस्ट रहेगा। दोनों में भाई बॉक्सेस एकदम एक नंबर के लगा रखे हैं हमने, सारी चीज़ें एक नंबर की कर रखी हैं, बस ये है कि अच्छा एक रिज़ल्ट आना चाहिए दोनों के अंदर। दोनों में से किस में ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है ये भी हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे।
तो ये थी हमारी सिंगल केज वर्सेस एवेरी की एक वीडियो, मेल बाहर आ गया है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताएंगे कि भाई क्या रिजल्ट निकल करके आएगा दोनों का दोनों। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।